हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को दूसरा चैनल सब्सक्राइब करिए आपके लिए यहां पर वीडियोज डाली जाती है इंस्टाग्राम पर जाके आप हमारी वीडियोज को देख सकते हैं एज वेल एज अगर हमें यहाँ पर आप ट्विटर पर जा सकते हैं ट्विटर पर हम हर एक चार्ट पे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं आज चार्ट को आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देता है तो एक यार जाके यहाँ पर वीडियो को देखिए दो वीडियो तीन वीडियो यहाँ पर आ चुकी है आज की डेट में इन वीडियोस को जाके एक बार देख लीजिएगा निफ्टी टारगेट मार्केट गिरा है तो प्रॉफिट बुक करें या ना करें एज वेल एज बस एक ब्रेकआउट स्टॉक उसे यहाँ पर देखा है हम बात करने वाले नजारा टैक्स से रिलेटेड नजारा टैक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर बड़ा प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है और मुझे इसके जो टारगेट नजर आते हैं इसके टारगेट सीधे मुझे नजर आते हैं शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, लगभग आपका पैसा 90 परसेंट नब्बे अगर मैं बात करूं 90 परसेंट के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर फंडामेंटल सब चीज से बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक like जरूर कर दीजिएगा हर एक वीडियो को लाइक like किया करें आप देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं कैसे भी आप देख रहे हैं तो एक बार लाइक like जरूर कर दीजिए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नजारा टेक की अगर मैं बात करूं तो एक इंडिया का एक लौता लौता कहूंगा वैसे एक और शेयर है डेल्टा कॉप बट स्टिल एक लौता ऐसा शेयर है जहां कंप्लीटली फोकस किस पे है कंप्लीटली फोकस यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में है और आपको पता ही है कि यहाँ पर कोविड हुआ था तो किस तरीके से गेम खेला जाता था बच्चे हो छोटे हो बड़े हो हर तरीके के लोग यहाँ पर गेमिंग में लगे हुए हैं ओके आप,

इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं नजर टेक्नोलॉजी की इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग बिजनेस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ओन्स सम ऑफ मोस्ट रिकग्नाइज आईपी इंक्लूडिंग डब्ल्यूसीसी एंड द क्लाश इन यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर गेम यहाँ पर दिखाई रखी है इंडियन मार्केट इन ई e सपोर्ट तो ई e स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर केवल एक नजारा ही नजर आता है जो की यहाँ पर अलग अलग तरीके की गेम देता है यहाँ पर अगर बात करें तो टीवी पे आप यहाँ पर बच्चे सीरियल देखते हैं वो गेम खेलना भी पसंद करते हैं तो यहाँ पर मोटू पतलू हो गया ओके okay, यहाँ पर अलग अलग गेम यहाँ पर देखिए क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी गेम है वो यहाँ पर दे रखे हैं आईपीएस गेम जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर सब्सिडरीज की बात करें तो इसमें इसकी कुछ सब्सिडरीज भी है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइम जोन वगैरह एज वेल एज यहाँ पर इन्वेस्टीज से रिलेटेड भी यहाँ पर दे रखा है तो अच्छा खासा ये कंपनी गेम करती हुई दिखाई देती है कॉम्पिटिशन कराती हुई दिखाई देती है

आईपीओ आया तब से यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं पैसठ परसेंट की बट याद रखिए यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पास अच्छी खासी यहाँ पर हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी नाइनटीन परसेंट के आसपास की है एफ आई भी है डी के पास भी और डी ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्या हो रहा है जब चीजें अच्छी होती नजर आती है ना तब यहाँ पर पब्लिक से चीजें जाती हुई नजर आती है छीनती हुई नजर आती है और डीआईआई और एफ आई यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है बट इस तरीके की जो कंपनी होती है कहीं ना कहीं डिजिटल और आईटी से रिलेटेड भी है ये कंपनी तो आगे चल के यहाँ पर स्कोप बढ़ना ही है घटना नहीं है तो यहाँ पर कब पीछे एक जीरो लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगी कभी स्मॉल कैप मिड कैप में चेंज हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगी पी -E की बात करें वन थर्टी फाइव का पी -E है इंडस्ट्री का भी थर्टी वन का स्टिल यहां पर महंगा शेयर है बट स्टिल बड़े बड़े शेयर है हमेशा महंगे ही रहते हैं आरो सी कुछ नहीं है खास नहीं है बट बात करें डेट की तो कंपनी डेट फ्री है तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है इसके अलावा सेल्स ग्रोथ की बात करें छब्बीस परसेंट के हिसाब से पिछले पांच साल में सेल्स ग्रोथ हुई है और यहां पर प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है नेगेटिव में है क्यों क्योंकि छोटी

ओके okay, तब भी मैंने बताया था कि लीजिए जब यहाँ गिरावट हुई थी तब भी बताया था उसके बाद पैसा यहाँ पर डबल होता हुआ दिखाई दिया था डबल से ज्यादा और लगातार इसमें गिरावट थी और गिरावट में आप यहाँ पर देख सकते हैं बट अगेन शेयर यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये एक पॉजिटिव बात है इस वजह से ये शेयर थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है जैसे कि मैं बता रहा हूँ आई कंपनी से कहीं ना कहीं ताल्लुक आता है इसका सेल्स की बात करें तो यहाँ पर कंसोलिडेट सेल्स यहां पर देखेंगे लगातार सेल्स बढ़ रही है और लगातार सेल्स बढ़ना एक पॉजिटिव चीज होती है बट साथ साथ कंपनी एक्सपेंसेस कर रही है जस्ट बिकॉज कंपनी को एक्सपेंड भी करना है तो यहाँ पर देखिए मटेरियल कॉस्ट मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने और एक्सपेंड कर रहा होगा तो यहां पर कहीं ना कहीं मेटेरियल लिया होगा एम्प्लॉइज कॉस्ट यहाँ पर घटी है मेटेरियल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है एम्प्लॉय कॉस्ट याद रखिये यहाँ पर कॉन्स्टेंट होती, यह होती है और ये वेरिएबल होती है एज वेल एज यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती

शेयर का प्राइस क्या मूव करता हुआ दिखाई दिया देखिए कल भी भागा 20 परसेंट आज भी भागा 10 परसेंट तो ये सब चीज है और शेयर अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो हम अभी चार्ट पर आएंगे तब बात करेंगे इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट देख सकते हैं लगातार कंपनी का यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का देखा जाए तो पॉजिटिव है ये सब चीज पॉजिटिव बात है कंपनी के रिजल्ट बढ़ रहे डेट फ्री है कंपनी का इन्वेस्टमेंट है कैश है वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं है कैश की बात करें कैश पड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है अब बात करते हैं चार्ट की तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखाया है लिंक दे दूंगा यहाँ पर प्ले लिस्ट पर चले जाइएगा देख दीजिएगा टेक्निकल तो देखिए यहाँ से मैंने टेक्निक ट्रेंड लाइन खींची और आज कहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को टच करके चुपचाप नीचे आता हुआ दिखाई दिया है अब क्या क्या शेयर गिरता हुआ नजर आएगा क्या अभी खरीदना चाहिए इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा तो देखिए रिजल्ट अच्छे खासे आए क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और लंबे टाइम का अगर बात करूं तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी और अच्छे खासे रिटर्न भी मिलते हुए नजर आएंगे नो no डाउट कंपनी ने एक बेहतर रिटर्न्स पहले ही दे दिए थे उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी कंपनी में हो गई है ओके okay, और यहाँ पर रिजल्ट पसंद आया इसलिए शेयर यहां पर भागता हुआ दिखाई दिया शेयर देखिए यहाँ पर आज ब्रेकआउट भी होता है बट नीचे आ गया बट अभी क्या होगा अब यहां पर कंपनी का जो आज का आई है सात सौ उनतीस रुपए पचास पैसे सात सौ तीस लगा लेते हैं अगर इसे निकाल देता है तो एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का टूटा रजिस्ट्रेंस नौ सौ अठारह ओके और धीरे धीरे करके शेयर यहाँ भागता हुआ नजर आएगा तो यहां पर जिस दिन ये पर्टिकुलर 930 का लेवल तोड़ दे तो यहाँ पर याद रखिए आपको यहाँ पर क्या करना है बाइंग करना है और शेयर अगर नीचे आता है तो याद रखिए फिर बाइंग करना है क्यों क्योंकि चीजें मैं कहता हूँ हमेशा लगातार नीचे नहीं आती लगातार ऊपर नहीं जाती रिट्रेसमेंट नाम की चीज होती है अच्छा खासा ऑलरेडी तीस परसेंट से ज्यादा की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है तो चीजें थोड़ी सी नीचे आ सकती है अगर नीचे आती है नीचे आके यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाइएगा एवरेज करिएगा बाइंग करिएगा ओके और जब यहाँ पर बाइंग करेगा और जब सीधे निकलेगी चीजें ओके चाहे अगले रिजल्ट से पहले निकले तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट गिरी थी उसी तरीके से यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आएगा मैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ ओके और चीजें नीचे आएगी मैं और ऐड करूंगा क्यों क्योंकि जो चार्ट पैटर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मुझे दे, 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 दिखा रहा है कि अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बात करूँ तो यहाँ पर सीधे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं नब्बे परसेंट तक के बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए चैनल सब्सक्राइब करिए दूसरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रह सो थैंक यू सो मच्लेस